हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज स्पेशली राम राम बोलता हूँ, क्योंकि आज विश्वकर्मा डे है और गोवर्धन पूजा भी है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दसवीं पास के लिए नई भर्ती निकली है, इसमें 50 पद बताए गए हैं। और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, यदि आप जाना चाहते हैं पूरी डिटेल को, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है आपकी, इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती निकली है, इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, और इसमें जो फॉर्म इसके शुरू हो रहे हैं वो 30 नवंबर से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और दोस्तों, ये जो फॉर्म निकलते हैं ना इंडियन कोस्ट गार्ड के, ये केवल 7 से 10 दिन के टाइम के लिए निकलते हैं। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा इस भर्ती के बारे में कि 30 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू होंगे, 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और दिसंबर में इसके लास्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। इस भर्ती की खास बात दोस्तों, इसमें कोई भी आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 50 इसमें वैकेंसी बताई गई आपके लिए। और एज की बात करूं तो 18 से 22 साल इसमें एज मांगी गई है, एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है, जो एज की काउंटिंग आपकी 1/4/2021 इस डेट को काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो। ठीक है, इसमें जो पोस्ट है दोस्तों वो नाविक की पोस्ट है, कुक और स्टेवर्ड की। 10th पास के लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपने 10th पास करके, तो आप इस भर्ती को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अच्छी वैकेंसी होती है, अच्छी जॉब होती है, 50 पद है इसके अंदर, अलग अलग से कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। 50 वैकेंसी बताई गई है, जनरल के लिए 20, OBC के लिए 14, SC के लिए 3, ST के 8, EWS की 5। तो दोस्तों, इसका 30 नवंबर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उस दिन से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यही एक डिटेल थी दोस्तों, अपडेट थी, भर्ती थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। दोस्तों, हो सकता है ये भर्ती आपके, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल ना हो, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को, इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।